वेलकम टू सोनम्स किचन। आज मैं आपके साथ खोए से बने गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को आप अपने घर पर जरूर ट्राई करें तो बाजार का गुलाब जामुन खाना भूल जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है खोए से बना गुलाब जामुन। खोया से बना गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक बड़ी सी कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई बिल्कुल इस तरह की गहरी होनी चाहिए। कढ़ाई में हम 2.5 लीटर दूध रखकर सबसे पहले बॉयल करेंगे, फिर इसे खोया की कंसिस्टेंसी आने तक पकाएंगे। दूध बॉयल हो चुका है तो हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है। हम इसे लगातार इसलिए चलाएंगे क्योंकि नहीं चलाने से दूध नीचे से जलने लगेगा और जो खोया हमें चाहिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। दूध बॉयल होके हाफ हो चुका है तो हम दूसरी ओर चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए हम गैस ऑन करके एक बर्तन रखेंगे जिसमें हमें गुलाब जामुन बनाना है और उसमें 2:2 के रेशियो से चीनी पानी रखेंगे। गुलाब जामुन में चाशनी के लिए जितना चीनी हमने लिया है उतना ही हम पानी भी लेंगे। पानी में चीनी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए 3 इलायची को अच्छे से क्रश कर लेंगे और इसे चाशनी में डाल के 1 मिनट बॉयल कर लेंगे। 1 मिनट के बाद चाशनी को हम चेक करेंगे। चाशनी हमें एक तार दो तार वाली नहीं चाहिए, ये बस हल्का चिपचिपा होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह। चाशनी बन चुकी है, हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इधर दूध भी गाढ़ा हो चुका है, इसे भी साइड साइड से खरोसते हुए और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। खोया बनकर तैयार है। हमें दूध को बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी तक ही पकाना है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और खोए को ठंडा होने देंगे। खोया ठंडा हो चुका है और 2.5 लीटर दूध से हमने इतना सारा खोया बनाया है। खोए को हम बड़े से थाली में निकाल लेंगे और मैदा हमने खोए का 1/4 पार्ट ही लिया है, मतलब 1 पार्ट मैदा और 4th पार्ट खोया। मेजरमेंट बिल्कुल 1:4 का ही होना चाहिए, नहीं तो गुलाब जामुन परफेक्ट नहीं बनेगा। मैदा और खोया दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे मसलते हुए स्मूथ सा डो तैयार करेंगे। हाथों के इस पोर्शन से हमें मसलते हुए इसका स्मूथ सा डो तैयार करना है। डो तैयार हो चुका है। मैं इस डो में से एक बड़ा सा पोर्शन तोड़ के आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे हाथों में कितना सारा ऑयल लग चुका है और मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। डो का फ्लफिनेस आप लोग देख रहे होंगे, इसका मतलब है डो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें जितना बड़ा गुलाब जामुन चाहिए हम उतना बड़ा लोई को तोड़ के इसे अच्छे से मसलते हुए बॉल का शेप देते हुए बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह। सारे बॉल्स हम इसी तरह बना के तैयार कर लेंगे। खोए का गुलाब जामुन का साइज़ चाशनी में डालने के बाद ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, उसका साइज़ जितना बड़ा हमने सेब दिया है उससे हल्का बड़ा ही होता है, इसीलिए हम इस बात का भी ध्यान देंगे। सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई में घी या रिफाइंड ऑयल डाल के गर्म कर लेंगे। यहाँ हमने घी का यूज़ किया है क्योंकि घी के गुलाब जामुन काफ़ी टेस्टी लगते हैं। घी को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो गुलाब जामुन घी में बिखर जाएंगे या फिर गुलाब जामुन की ऊपर की कोटिंग अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह का गर्म घी हमें चाहिए फ्राई करने के लिए। हम एक एक करके सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लेंगे। खोए से बने गुलाब जामुन को हमें हल्के हल्के हाथों से ही पलटते हुए फ्राई करना है। हम चाशनी में उंगली रखकर चेक करेंगे, चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। इधर गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम इसे निकाल के गर्म चाशनी में रख देंगे। और
और फिर उसी तरह हम सारे गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लेंगे और चाशनी में डाल देंगे। सारा गुलाब जामुन चाशनी में डल चुका है। जो गुलाब जामुन हमने पहले डाला था वो नीचे जा चुका है और अभी वाला गुलाब जामुन ऊपर है। इसे हम ढक कर 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। 4 घंटा हो चुका है, मैं प्लेट हटा के उसमें से गुलाब जामुन निकाल के आपको काट के दिखाती हूँ। गुलाब जामुन कितना सॉफ्ट है, इसे काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बीच में किसी भी तरह का गांठ नहीं है। ये देखने में भी कितना जूसी दिख रहा है। गुलाब जामुन बनकर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप सब इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे दें। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही न्यू अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।